पूरा कोलकाता यहाँ से दिख रहा है। इस शिफ्टिंग के चक्कर में मेरे फेस का पूरा 12-13 बच चुका है। पूरे एरिया का जो कचरा होता है वो यहीं पे आके जमा करता है। ये रूम में एंटर करते ही 2 बेड मिल जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि मैं बहुत दिन बाद एक वीडियो डाल रही हूँ और वो भी व्लॉग, क्योंकि एक्चुअली मेरे लाइफ के साथ ना कुछ लोचा हो गया है जो कि मैं अभी आपसे शेयर करूंगी। मैंने रिसेंटली, मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे रेंट पे थी, तो वहाँ से ना अचानक से आना पड़ा कुछ रीजन की वजह से। तो अभी हम लोग एक नए फ्लैट पे शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे आने के बाद गाइस मेरे साथ एक एक करके कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है और अभी तो दुर्गा पूजा भी चल रहा है। तो चलो मैं ना अभी आपको दिखा दी, क्योंकि मेरे घर का हालत बहुत बुरा है। मतलब आपको मैं कैसे दिखाऊं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे ना मैं कुछ भी शूट भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, क्योंकि मैं जहाँ पे रह रही हूँ ये जगह ना एक बस स्टैंड के सामने है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ बस स्टैंड ही नहीं है, इतना शोर होता है ना, अभी मैं आपको दरवाजा खोलूंगी तो इतना ज्यादा शोर होगा। और सामने एक मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। तो ये रहा, ये मेरा रूम है, ठीक है। और ये इंद्राणी हाय बोले थे तो ये मेरा रूम है अभी तक। ये जो देख रहे हो ना बैग्स, ये मैं भी एक जगह पे जाने वाली हूँ। तो इस दरवाजे को खोलते ही अब सामने देखो, ये देखो, ये पूरा एकदम बस स्टैंड है। एंड सामने वो जो जगह है ना, वो एकदम कचरे का जगह है गाइस। पूरे एरिया का जो कचरा होता है वो यहीं पे आके जमा करता है और सुबह शाम लेके जाता है। तो ये मेरा बैल्कनी है अभी तक, तो मेरा मतलब आपको क्या कैसे क्या दिखाऊं पता नहीं। तो मुझे अभी शूट के लिए एक जगह पे जाना है, क्योंकि मैं घर पे शूट कर ही नहीं सकती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है। और मैंने ना एसी भी इंस्टॉल नहीं किया, एसी का जगह है बट इंस्टॉल नहीं हुआ है। मैंने कुछ कपड़े पैक कर लिया है ताकि मैं एक होटल पे जाके शूट कर सकूँ। तो चलो, अभी कैब भी आने वाला है। बहुत भारी है, मैंने 2 बैग लिया है और उसके पास भी 2 बैग ही है। इंद्राणी के पास शायद हमारा कैब भी आ चुका है, आई थिंक ये हमारा कैब ही होगा ना। देखो तो नंबर देखो, 2 बजे चेक इन 2 बजे था। तो अभी सिर्फ 5 बैंडेड का इतना बड़ा बिल। माय गॉड। तो इस बैंडेड को पैर में लगाना है, पैर का हालत बहुत खराब हो चुका है। अचानक से लग गया, कोई वो नहीं था, अचानक से लग गया और खून भी बह गया इतना सारा। हमारा जिंदगी का मकसद पैसा कमाना है। थैंक यू। जस्ट हम लोग रूम में एंटर किए हैं और पता है हमने ना, मैंने ना लिखा था ऐसे कि मुझे रूम व्यू बहुत अच्छा चाहिए, एंड वो लोग सच में इतनी अच्छी जगह पे हम लोगों को डाल दिया। ये पूरा कोलकाता यहाँ से दिख रहा है। इधर और भी नोवोटेल एंड आईबीज जो है उसके बीचों बीच ये लेमन ट्री होटल है। एंड मैं अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे फ्रेश भी होना है, बहुत कुछ काम भी करना है। स्पीचलेस और खुश। ये व्यू मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी मैंने यहाँ इधर उधर और भी 2 होटल पे रह चुकी हूँ, पर इतना अच्छा व्यू कभी नहीं मिला। मतलब सच में आप देखो, पूरा एकदम इधर तक, मतलब नीचे तक जो कांच का वो है, विंडो है ना। एक दुर्गा पूजा भी हो रहा है तो शाम को वहाँ पे जाने का भी प्लान चल रहा है। तो पहले रूम में एंटर करते ही आपको एक ऐसा बड़ा सा वार्डरोब टाइप का मिल जाता है। यहाँ पे ऐसे आयरन भी कर सकते हैं यहाँ पे इसमें रख के। एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉकर है, कोई भी कीमती चीजें यहाँ पे रखने के लिए है जो कि पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे भी कुछ होगा शायद, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैश वगैरह ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। आई लाइक इट गाइज, जब मैं अपना फ्लैट लूंगी ना ऐसा ही कुछ बनाऊंगी। एंड ये है बाथरूम तो ऑलमोस्ट, मैं कहीं भी जाऊँ ना मुझे बाथरूम तो एकदम ठीक ठाक चाहिए ही चाहिए।
एंड दिस इज मी गाइस, ओह माय गॉड, देखो मेरे फोन का कलर एंड मेरा जो टॉप है वो भी बिल्कुल सेम ही लग रहा है। कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं पहली बार व्लॉग कर रही हूँ हिंदी में, मैं बंगाली में ही व्लॉग करती हूँ, मुझे उतना अच्छा हिंदी मतलब बोलना नहीं आता। बता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, अगर ठीक ठाक लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ये एक मैग्नीफाई मिरर है एंड दूसरे साइड पे नॉर्मल है। वाओ, एंड यहाँ भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, एंड इधर भी मैं हूँ, चारों तरफ मैं ही मैं गाइस। एंड देखो क्या, ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे पॉटी करते करते फोन भी कर सकते हैं। ओ माय गॉड, ये नहाने की जगह है एंड ऐसा ही मुझे बाथरूम बनाने का प्लान चल रहा है मेरा। जो मैं नया फ्लैट लूंगी ना तब ऐसा ही मैं बनाऊंगी। एंड ये तो मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत बहुत ही अच्छा, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है यहाँ पे सब कुछ। आई थिंक यहाँ पे एक शैम्पू और बॉडी वॉश एंड शैम्पू कंडीशनर। यहाँ पे अगर सूप वगैरह है तो वो भी रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ टॉवल्स रख सकते हैं एंड एक शॉवर है। ओके, तो इसको बंद कर देते हैं, हम चलते हैं घर की तरफ, रूम की तरफ। ओके, तो ये मिरर है ओनली, इसमें कुछ खास नहीं है बट ये फुल मिरर है। ओके, एंड देन ये रूम में एंटर करते ही दो बेड मिल जाते हैं, जो कि एक उसका होगा। इधर देखो तुम तो बहुत एक्साइटेड हो चुकी हो, बताओ। एंड ये मेरा गोप्रो है जिससे मैं अभी शूट कर रही थी। ये शायद हम दोनों का बेड होगा, कौन सा होगा मेरा अभी तक कोई कुछ डिसाइड नहीं किया है। और यहाँ से ना ये पूरा सेंट्रल एसी है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे कम कर सकते हैं, एसी को इस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं पूरा। आई थिंक ये सेंट्रल कंट्रोल है, यहाँ से हम उतना कुछ कर नहीं सकते। तो जो भी हो, यहाँ पे एक रीडिंग लाइट भी है। बेड तो बहुत ही छोटा है लेकिन मैं इससे भी कई ज्यादा बड़ा बेड पे सोती हूँ, लेकिन ये आज मेरे लिए एकदम ठीक ठाक ही है। और पता नहीं यहाँ पे टीवी क्यों ऑन है, कौन देख रहा था, पता नहीं भूत देख रहा था होगा ना गाइज। आज मैं ना यहाँ पे हॉन्टेड वीडियो शूट करने का सोच रही हूँ। जस्ट देखो आप, अगर आप कोलकाता में रहते हो ना तो ये गैलरिया जो है ना, अंदर गैलरिया, ये आप तो जरूर पहचानते होंगे। यहाँ पे एक टेलीफोन भी है ताकि हम लोग कभी कभी फोन करके उन लोगों को तंग कर सके। कितने सारे टेलीफोन है, देखो यहाँ पे भी एक है, आई थिंक वहाँ पे भी होगा, नहीं वहाँ पे नहीं है, एक बाथरूम में भी था, यहाँ पे भी है और देखो यहाँ पे भी है। तो सारी जगह से हम लोग कॉल करके ऐसे तंग करेंगे होटल वाले को। वही लोग बोल रहे कि हमें तंग करो, हमें तंग करो, वो लोग चाहते हैं ऑर्डर दो, ऑर्डर करो, ऑर्डर करो। वहाँ पे खाने का भी है, वो उसको आप स्कैन करते हो ना, इसको स्कैन करते ही खाने का जो लिस्ट है पूरा आ जाएगा, मेनू। गाइस, तो अभी मुझे थोड़ा सा फेस का जो हालत हो चुका है ना आते आते, बहुत ही बुरा हो चुका है एंड इस शिफ्टिंग के चक्कर में मेरे फेस का पूरा 12-13 बच चुका है। तो अभी ना थोड़ा सा मैं स्किन केयर करूंगी। रिसेंटली मुझे डर्मोवाइप से कुछ प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं, तो इसी को मैं यूज करूंगी अभी। तो यूज करने के बाद देन मैं मेकअप करूंगी। ओके, रिसेंटली आई एम यूजिंग दिस प्री मेकअप कॉम्बो ऑफ डर्मोवाइप हाइड्रा क्लेंजर, न्यूट्रीराम मॉइस्चराइजिंग लोशन विथ विटामिन ई एंड डर्मोवाइप मॉइस्चराइजिंग लोशन। क्लेंजर फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले फेस को अच्छे से क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ डर्मोवाइप हाइड्रा क्लेंजर। ये एक ओटमील बेस्ड क्लेंजर है, मेकअप से पहले ही इसको ज़्यादातर यूज़ करना पसंद करती हूँ। ये ब्रेकआउट्स को प्रिवेंट करता है, स्किन को अच्छे से क्लेंज करता है विदाउट मेकिंग इट ड्राई, मेकअप को लास्ट लॉन्गर बनाता है। इसे यूज़ करने के बाद स्किन बहुत ही सॉफ्ट फील होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है न्यूट्रीडा मॉइस्चराइजिंग लोशन विद विटामिन ई। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है, स्किन में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। जनरली मैं इसे मेकअप से पहले ही यूज़ करती हूँ और इट कैन बी यूज्ड एनी टाइम। बिल्कुल नॉन ग्रीसी एंड सॉफ्ट फील होता है इसे यूज़ करने के बाद। इट इज़ वेरी जेंटल ऑन स्किन एंड सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। नेक्स्ट है डर्मोवाइप मॉइस्चराइजिंग लोशन। इट इज़ आइडियल फॉर पोस्ट वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेविंग व्हेन स्किन बिकम्स सेंसिटिव। डेली यूज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट एक मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन है। रेगुलर यूज़ करने पर बॉडी के जो एक्सट्रीम ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाती है। इट इज़ सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये सारे प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलियन मेड हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स लिंक्स डाल रखे हैं। सो गाइस, मेरा ऑलमोस्ट शूट खत्म हो चुका है, बट मैं व्लॉग मेरा खत्म नहीं हुआ अभी तक। बट आप पीछे देखो, वो
सनसेट का टाइम है अभी, कितना अच्छा लग रहा है ना दिखने में। एक्चुअली क्या है ना कि अभी दुर्गा पूजा का टाइम है तो लोग अभी जा रहे हैं पूजा देखने पैंडल होपिंग के लिए, तो हम भी जाएंगे तो थोड़ा सा रेडी भी होना है और हमें चाय भी पीना है क्योंकि मेरा अभी सर दर्द कर रहा है। एंड देन मैं आपसे मिलती हूँ मेकअप करने के बाद, सो अभी बाय। और हाँ, मैं ना यहाँ पे एक दुर्गा पूजा भी हो रहा है, आई थिंक मैंने शायद आपको पहले ही बताया होगा, तो वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। इंद्रा ने अभी मेरे लिए कॉफ़ी बना रही है, कॉफ़ी या चाय कौन सा बोलो? कॉफी वाला। कॉफ़ी बनाओगे, ठीक है, तो दिखाओ क्या क्या है यहाँ पे। ओके, ये है आई थिंक कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी। पानी यहाँ पे वो गर्म करने वाली है, तो अच्छा बनाओगी ना, खा सकूँगी ना, मतलब पी सकूँगी ना। ओके, तो हिंदी में तो पीना बोलते हैं हम लोग, बंगाली लोग सब खाते हैं, सब लोग खाते हैं, पानी भी खाते हैं हम लोग, पानी भी खाते हैं। हाँ, क्या कॉफी बनाई है देखो दूध कम और कॉफी ज्यादा, तो इसको खा के देखते हैं, मतलब पी के देखते हैं, ठीक है। होटल वालों ने दूध कम दिया है, दूध बहुत कम दिया है सच में, कॉफी ज्यादा दी है। काम चल जाएगा, काम उतना भी बुरा नहीं है गाइस। तो मैं अभी मेकअप करने बैठी हूँ, लेकिन देखो मेरी असिस्टेंट को देखो आप, असिस्टेंट ने की होते, व्हाट इज दिस, कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ अभी तक। ये कैसा असिस्टेंट है गाइस सिर्फ नहा के आई अभी अभी, पता है अभी 6 बज रहा है, सो जाओ सो जाओ। पीछे वहाँ पे ना एक बहुत ही फेमस दुर्गा पूजा हो रहा है, तो अभी हम लोग स्विमिंग पूल के सामने आए हैं एंड यहाँ का जो नजारा है ना वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इंद्रा ने अभी उसको भी नहाना है, नहीं, है ना? नहीं, वो नहीं बोला, पूरा मैंने बोला कि चूड़ीदार पहन के स्विमिंग पूल में, चूड़ीदार पहन के स्विमिंग पूल में मुझे पिटवाओगे क्या अभी नहीं सुना सुबह मॉर्निंग गाइस। तो कल रात पंडाल हॉपिंग के बाद मैं और व्लॉग नहीं कर पाई, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी और रात में सोने भी मैं लेट से आई यहाँ पे। देन आपको ना एक चीज दिखाती हूँ, मैं अभी जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने, लेकिन मैंने देखा कि नीचे ना एक कचरे का गाड़ी आया है, तो मैं बस यही सोच रही हूँ मैं जहाँ भी जा रही हूँ अभी कुछ दिनों से वहाँ पे बस यही मुझे दिखने को मिल रहा है गाइस, ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो पहले तो इन्हें ऐसे रख लिया है एंड ये होगा सर, एंड देन जब वो लोग अंदर आएंगे रूम को क्लीन करने के लिए क्या होगा आई डोंट नो। हाँ, पूरा इंसान ही लग रहा है, इंसान लग रहा है ना। हाँ हाँ, पूरा सिर थोड़ा सा ढक दो, सिर को थोड़ा सा उसको फोल्ड करना पड़ेगा, इतना मोटा इंसान हाँ अच्छा है। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड ये जो मैंने किया ये क्या मैंने सही किया या गलत किया वो कमेंट करके मुझे जरूर बता। ओके, तो चलते हैं, मैं घर में जाऊंगी अभी, देन उसके बाद फिर से वही कचरे का पता नहीं कब वहां से शिफ्ट करेंगे, आई थिंक कि दुर्गा पूजा के बाद ही जल्दी शिफ्ट कर लेंगे यहाँ से वहां से। बाय गाइस।